आज एक ऐसे दिव्य पुरुष का पुण्यतिथि है, हम सभी कार्यकर्ता उन्हें नमन करने आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब लोगों के अभिभावक स्वरूप मार्गदर्शक, जिन्होंने देश की संस्कृति को और संस्कार को पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद अगर शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, तो ऐसे विरोधा के रूप में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हम सबके श्रद्धेय। साथ ही आज यहां विराजमान है भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधामोहन जी, हमारे 74 आंदोलन के प्रणेता और भारत सरकार में विधि मंत्री और कई मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं भाई श्री रविशंकर प्रसाद जी, यहां माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे 74 आंदोलन के कर्णधार भाई श्री सुशील कुमार मोदी जी, विपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर जी यादव, यहां राष्ट्रीय मंत्री के रूप में रजनीश जी, यहां प्रवक्ता के रूप में केंद्रीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हमारे प्रदेश के जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां करने का निश्चय किया, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, हमारे श्री नागेंद्र जी संगठन मंत्री, माननीय श्री स्वामी रंजन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे यहां पधारे हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। श्री नारायण जी, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायक पार्षदगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित आप सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, काफी लंबे समय से हम लोग वक्ता अपनी बातों को कह रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है कि आज कैलाश जी के बारे में श्रद्धेय कैलाश जी हर लोगों के मन और मस्तिष्क में और दिल में छाए हुए, अगर सच कहा जाए तो दीप को जलाने का काम अगर इस बिहार में सरकार के रूप में लाने का काम किया, तो उनमें से सर्वप्रथम स्थान माननीय स्वर्गीय कैलाश मुखी जी का आता है। 67-68 में जब सम्मिलित सरकार बनी थी उस समय और 77-80 की उस जनता पार्टी की सरकार और आज दीप से लेकर के दीपक से लेकर के कमल खिलाने वाले इस धरती पर कोई विरोधा के रूप में हुए, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ मान्यवर स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का स्थान आता है। ऐसे विनम्र व्यक्तित्व और हर प्रकार के प्रतिभा संपन्न
मुझे लगता है कि उस व्यक्ति में कार्यकर्ताओं के प्रति जो एक भावना मन के अंदर चाहे छोटा हो बड़ा हो सबके प्रति स्मरण करना और जब कभी भी उनके साथ प्रवास करने का मौका मिला तो रास्ते भर अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उस कहानी में वो कमियों को बता जाते थे। हमें लगता भी नहीं था कि हमारी कमियों को ये इंगित कर रहे हैं, कहानियों में वो हमारी कमियों को। इस प्रकार के हम सब लोगों के अभिभावक रहे और बिहार में ठीक ही कहा कि बिहार न केवल भारतीय दर्शक और भारतीय जनता पार्टी बल्कि यहां के राजनेताओं में वो सबसे प्रतिष्ठित राजनेता, एक ईमानदार सभी के राजनेता। और मुझे तो याद है इमरजेंसी में जब वो मैं पैरों पर छुटा था कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए बीमारी थे और भागलपुर में वो अचानक कोट पैंट पहने हुए और एक गांव में वो मिले। वो गांव कनेरी गांव कहलाता है, जगदीशपुर प्रमंडल थाना है। और कनेरी गांव में वो वहां गए थे, रात में वो 2 दिन तक वहां रात में रहे, 2 दिन तक रहे। हम लोगों को जानकारी मिली चुपके से, हम लोग वहां गए स्वर्गीय प्रभास चंद्र तिवारी जी के जो सांसद रहे थे उनके घर में। वो 3 दिनों तक इमरजेंसी में छिपते हुए कोई पहचान नहीं पा रहा था और कार्यकर्ताओं को जगह जगह प्रेरणा जगाने का काम करते रहे। आपातकाल के दिनों में भी मैंने वह दिन भी देखा था। मुझे याद है ऐसे कई घटनाएं कैलाश जी के बारे में सबको स्मरण है। समय अभाव के कारण मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज कहीं न कहीं जो सपा सूत्र कैलाश जी ने बना करके रखा है हम उसको सजोए, हम उसको भिगोए। आज कहीं न कहीं संवादहीनता अगर हमारे अंदर उत्पन्न होगा तो कैलाश जी के प्रति वो श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और कैलाश जी में यही गुण था, कहते हैं गगन का आकार गगन के जैसा होता है। कैलाश जी का आकार कैलाश जी के जैसा था, सचमुच में वो कैलाश पर्वत के जैसे महान, उनका विशाल हृदय सबको समा लेते थे। दुख में सुख में सब प्रकार के चीजों का वो समझ करते रहते थे। मैं आज अपने ऐसे दिव्य नेता के रूप में, पितातुल्य अभिभावक के रूप में मैं बहुत बहुत सत सत नमन पुनः करते हुए और मैं यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को तो जिस शांति प्रदान किए, हम सब लोगों को सदबुद्धि दे कि कैलाश जी के अधूरे मार्ग को उनके बताए हुए उनके मार्ग पर चलने के लिए एकबद्ध होकर के, एकजुट होकर के, संकल्पित होकर के हम लोग आगे बढ़े तो बिहार में फिर से कमल ही खिलेगा और आने वाला दिन वो कमल का दिन होगा। एक एक गांव गांव की जनता को हम अगर हम सभी कार्यकर्ता उस कमल को लेके जाएंगे, कैलाशपति जी का वो कमल गांव गांव में खिलेगा, मुझे ये विश्वास है। तो आइए आज नैनन चिंतन की सत्कारी नैनन दहति पावकर, भगवान ने जो गीता में कहा है कैलाश जी कहीं हमसे अलग नहीं है, उनकी आत्मा अमर है। और इसलिए आज कैलाश जी को स्मरण करते हुए पुनः हमें नवीन ऊर्जा आज के बाद प्रदान हो और हम उसी संस्कार से संस्कारित होकर के अपने छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे। ये परम वैभव की स्थिति पर भारत को और इस बिहार से अगर भारत बनेगा तो बिहार के बिना भारत भी नहीं बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत अगर विश्वगुरु होगा तो कहीं न कहीं इस बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आइए अनुष्ठान लेकर
इस बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे और बिहार में आने वाली सरकार कमल की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बने और सब सम्मत नेतृत्व के साथ ये सरकार बने, ऐसी हमारी आकांक्षा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति सम्मान अर्पित करते हुए और मंच संचालक श्रीमती शुक्ला पांडे जी को मैं मंच दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको प्रणाम। जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, नमस्कार।